अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद नदीम है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, असली खान का। आजकल हम बागवानपुरा लाल बाज़ार में रहते हैं 30 साल से। हम असली खानदा के रहने वाले हैं, खान के मोहल्ला के। बिल्कुल। नाम मुहर्रम के हवाले से पहले थोड़ा बहुत इस जुलूस के बारे में बोलेंगे। तो ये जुलूस कुछ साल से हम निकाल रहे हैं यहाँ सुबह 9 मुहर्रम को, यहाँ से हवा कदर जाता है। तो 9 मुहर्रम, मुहर्रम वो दिन है, वो एक मिशन है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दुनिया को बताया कि जुल्म, गलत, फासिक, जबर के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठानी हो, चाहे वो 72 ही लोग क्यों ना हो और हज़ारों का लश्कर दूसरी तरफ से हो, तो उसमें पीछे नहीं हटना होता है। हमेशा हक और सच्चाई के लिए इंसान को हमेशा खड़ा होना है और इस चीज़ की परवाह नहीं करनी होती है फिर कि आगे उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि खुदा की राह में तादाद का कोई ये वैल्यू नहीं होता। वैल्यू जो होता है वो सच्चाई और हक का होता है। तो जो करबला में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 लोगों के साथ, जिसमें बच्चे बूढ़े सब थे, जो शहादत दी कल, और 3 दिनों से जो भूखे प्यासे रहे और इबादत इलाही में मशगूल थे, दुनिया को ये बता रहे थे कि चाहे कितना भी जुल्म हो, कितना भी जबर हो, मगर अगर आप हक पे हो और खुदा के रास्ते पे हो, सही रास्ते पे हो, तो अपनी जानें भी देनी पड़ी, उसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमेशा सच्चाई और हक का साथ देना चाहिए। उसी मिशन को ज़िंदा रखने के लिए हम हर साल जो शियाने पूरे हैदर करार पूरी दुनिया में हैं, ये जुलूस अज़ाब बर्पा करते हैं, ये मातम बर्पा करते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि करबला में क्या हुआ था। नहीं होता तो ये आवाज़ दब सी जाती। करबला को ज़िंदा रखने के लिए, एक वाका को, एक सच्चाई को, एक हक को आगे लाने के लिए हम हमेशा मातम करते हैं, अज़ा करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ताकि लोग जाने क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, इस पे तहकीक हो, लोग पढ़ें, जानें कि वाकई करबला असली क्या है, असली करबला का मिशन और मकसद क्या है। तो उसी को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ से भी एक जुलूस अज़ा निकल रहा है, इंशाल्लाह उसी में हम भी यहाँ शमूलियत करने आ रहे हैं। शुक्रिया खुदा। Thank you.
دوست ترش کران تک پکان تریش بانٹان کہ تم شیر خار یاد کران معصوم کران تہندس ناوس پہ تریش بگران از یہ میم فضل عباس حسین علیہ السلام تو سلام سن برادر درو تریش ان تم زن سہ مشک تج چارو طرف آئے تمس پہ دشمن یزی سمو زن گراو کور شان مبارک کر شہید مشق کر شہید تشن آسان تو معصوم پیاران کہ اس وات تریش بس عالی اسلامس ونان کہ تم کر یاد ہر وقت تم سمجھن کہ واقعی کربلا کیا اگر زن تم سمجھن یہ واقعی کربلا کیا زہن گژھن مطلب مسلمانن منز کان اتفاق خدا نہ خاص کان دوریر کیاز یہ سہ واقعی کربلا یہ سہ تریش اس انسانس وت ہاوان کہ حق تو پوز کیا شکریہ Thank you.
आज ये जो नवा मुहर्रम है, इस मुहर्रम के नवे रोज़ है यहाँ पर। इस यहाँ से जो जुलूस बरामद होता है, यह यहाँ बाबर डैम से होते हुए हबा कदम तक जाता है। ये एक तवारीखी जुलूस है, इस जुलूस की एक हिस्ट्री है, क्योंकि ये पहले भी यहाँ से निकलता है और आज भी ये बरामद होता है। इस जुलूस का यही पैगाम है, इस आज़ादारी का यही पैगाम है कि हम इंसानियत को ज़िंदा रखेंगे, और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि वाकई करबला भी यही दर्ज देता है कि मुसलमानों को कि करबला को देखो, करबला को समझो और इंसानियत को ज़िंदा रखो। हम तमाम मुसलमान अहले इस्लाम को यही अपील करते हैं कि हम आपस में भाईचारे में रहें और आज़ादारी करें। कोई ऐसा बयान नहीं करेंगे जिससे कि किसी के थके को ठेस पहुँचे। लिहाजा ये आज़ादारी है, ये वाकई करबला सबों की हिस्ट्री है। इसमें सबों को पता है कि वाकई करबला क्या है, ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये हर साल आता है और आता रहेगा। हम आज़ादारी करते हैं, हम आज़ादारी करते रहेंगे, ता उम्र तक हम आज़ादारी करते हैं। इस साल भी हम अगर सरकार ने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, हम उसका शुक्र करते हैं। ताकि अगर वो दसवां को अगर वो सिंसियर है तो दसवां ओशूरा भी निकले अच्छी तरह से, हम उसको उस पर भी उसको शुक्रिया करेंगे। हम किसी की नुक्तचीनी नहीं करेंगे, हम सब के साथ है। ये आज़ादारी है, हमको सिर्फ आज़ादारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू।
Ya Zahra, 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 Ya Zahra,